Uno. Are you want to go with me? Guno. Guno kakul khawa dekhe. Ek dikche Guno. Guno mi chole gelam. Guno mi chollam. Jabi chhade jabi? Na. Ye hai mera lavarish room. जहाँ पे मैं नहीं सोती हूँ और मैं अभी जा रही हूँ छत पे। ऐसा बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये की नमस्कार गाइस, तो हम अभी आ चुके हैं छत पे क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कपड़ा जो है वो सब धोने के बाद सुखाना है क्योंकि अगले दिन है अष्टमी और आज है हमारा सप्तमी। तो सप्तमी के मतलब अष्टमी मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, तो इसीलिए जितना भी कपड़े बची हुई थी उसको धो के फिर सुखानी है, फिर उसके बाद सब कुछ मतलब पैकिंग भी करना है, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारा काम है। और सुबह नहा लिया मैंने, नहाने के बाद यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए मैं छत पे आ गई थी। और इसके बाद हमारा आज बहुत सारा प्लान है, बहुत कुछ ख़रीदना है, तो इसलिए हम चारों मतलब सॉरी हम तीनों, मैं मेरी दोनों सास, हम चलेंगे मतलब चाची सास मामूनी सास सब मिलके चलेंगे यहाँ का जो एक मार्केट है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दूर में है बेनाचिती मार्केट, तो हम वहाँ चलेंगे क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और इसीलिए हमको कुछ मतलब उन लोगों को शूज खरीदने हैं, तो इसलिए हम आ गए हैं बाटा में। और यहाँ पे ये वाला जो शूज़ है ये मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं यहाँ पे बस चेक करी कि कैसा है या मेरा साइज़ क्या है या कैसा लग रहा है मेरे पैरों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखूँगी इसको ऑनलाइन, ऑनलाइन थोड़ा सा प्राइस कम होता है तो मैं ट्राई करूँगी ऑनलाइन लेने का। और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा काम थी वो सब निपट के फिर हम जा रहे हैं, मतलब बर्तन वर्तन सब कुछ खरीदना था। मैंने कान्हा जी के लिए दो गहना खरीद लिया, फिर हम आ गए थे घर। घर आने के बाद हम खाना खाए, सब कुछ करे, फिर इसके बाद अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट भी किए थे, फिर इसके बाद अभी टाइम हो रहा है 9:30 या 9, हाँ 9:30। और अभी हम लोग रेडी हो गए थे, हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। घूमना यानी इस टाइम है माता जी का मतलब पैंडल होपिंग, तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं पैंडल होपिंग के लिए। और आप लोग देख सकते हो मैं काफ़ी दिनों से नहीं सोई हूँ, मैं हर बार वही बोलती रहती हूँ, पूरा एकदम आंखें बैठ गई मेरी, पता नहीं मैं कब सो पाऊँगी। एक तरह से शायद कुछ डिप्रेशन है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, नींद ही नहीं आती है। अगर किसी के पास कुछ घरेलू उपाय है नींद आने की तो वो ज़रूर बताना। और अभी हम बस चल पड़े पैंडल हॉपिंग के लिए। और हमारे घर के बगल अगल बगल में ही बहुत सारा पैंडल है, बट फिर भी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। वैसे तो हम जिस पंडाल में जाएंगे वहाँ पे गाड़ी गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, या तो आप रिक्शा बुक कर सकते हो, बट जैसे कि हम गाड़ी लेके ही जा रहे हैं और हम बड़ी वाली कार लेके जा रहे हैं। और ये है एक घर के बगल वाल मतलब घर से थोड़ा सा पास में, मतलब रोड से जाते जाते जो दिख जाते हैं बहुत, ऐसे तो बहुत सारे हैं। और पहले जब हम बचपन में छोटे थे ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा पांडल नहीं होता था, उस टाइम थोड़ा सा लिमिट में होता था, तो हमें ऐसा रहता कि हमको ये देखना है वो देख, मतलब ऐसे करके ये होता था कि मतलब जितना हम देख रहे हैं उतना मतलब बहुत कुछ हमारे लिए होता था। बट इस टाइम क्या हुआ, धीरे 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 पूजा बढ़ती गई, लोग बंटवारा करने लग गए, तो काफ़ी सारा पंडल जो है वो रिसेंटली होना स्टार्ट हुआ पूजा, तो इसीलिए बहुत सारा पूजा होती है और काफ़ी ज़्यादा पंडल दिखने को मिल जाता है। और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, एक बड़ी वाली पंडल बनती है, और पहले हम लोगों को मतलब छोटी छोटा वाला पंडल ही अच्छा लगता था, मतलब जो भी है पूजा उस टाइम हमारे लिए एक अलग महत्व रखता था,
बट इस टाइम सब लोगों के अंदर ऐसा होता है कि जो पैंडल सबसे मतलब अच्छे से कुछ अलग यूनिक सा होता है वहीं पे लोगों पर ज़्यादा भीड़ बनती है। तो जो भी है हम यहाँ पे आ गए हैं और हम गाड़ी थोड़ा दूर पार्क की, यहाँ पे एक लोकल मार्केट है तो वहाँ पे हम पार्क कर लिए और फिर हम पैदल जा रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे लाइट का भी बहुत सारा काम होता है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे पैंडल में घूमना। बट भीड़ तो मुझे पसंद नहीं है, मतलब हमारे घर के किसी को पसंद नहीं है, बट स्टिल पूजा में तो घूमना ही पड़ेगा। और कोलकाता की या फिर वेस्ट बंगाल की हैसियत तो यही में है ना, मतलब ये तो फेमस ही है, हमारा ट्रेडिशन है दुर्गा पूजा, इस तरह से हम लोग मनाते हैं, हम लोग खाते हैं बाहर फुल्ली और घूमते हैं, तो यही है हमारा ट्रेडिशन और इसमें तो हमें खुलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने सासू माँ से वीडियो करवा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई होता ही नहीं वीडियो करने के लिए, मतलब मेरा करने के लिए, तो मैंने अपने सासू को ऐसे ऐसे बोल देती हूँ तो वो बहुत अब तो वो बहुत ही अच्छा वीडियो बना लेती है। मैं जैसे मतलब बोलती हूँ अब तो बोलना भी नहीं पड़ता है, वो बना देती है हमेशा, क्योंकि वो सच में हमारे साथ घुलने की कोशिश करती है और बहुत एफर्ट डालती है कि हम जिसमें खुश रहे वो भी वैसे ही करती करने की कोशिश करती है। मतलब हमेशा ना दोनों साइड से एडजस्ट करना पड़ता है, कभी वो कुछ एडजस्ट करे कभी हम कुछ एडजस्ट करें, ऐसे ही रिलेशन आगे चलते रहते हैं। और नोकझोंक तो सबके मतलब अपनी मम्मी के साथ भी होता रहता है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ही छोटी बात है, चाहे जो मतलब छोड़िए वो सब बातें। तो जो भी है यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे ऐसे बोल रहे थे कि फ़ोटो खींचना बना है, तो एक छोटी सी बच्ची, मैं ना यहाँ पे बहुत मतलब एक थोड़ा सा मजाक किए, एक छोटी सी लड़की आके मेरे को बोल रही थी आंटी यहाँ पे ना फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं उसको बोला बेटा मैं फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ वीडियो बना रही हूँ। तो फिर वो ना खुद नहीं समझ पाई और मेरे को भी बहुत मज़ा आया। जो भी है माता की मतलब मूर्ति देख के बहुत मन खुश हो जाता है। एंड यहाँ पे काम देखिए, वर्क मतलब इतना अच्छा अच्छे से ये लोग वर्क करते हैं ना, ये पंडित का हर एक पंडित के पीछे कितने सारे लोगों का मतलब पसीना है, कितने सारे लोगों का, बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करके ये बहुत दिनों से बनती है। और इसके बाद हमने थोड़ा बहुत आइसक्रीम वाइसक्रीम ये सब पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खा लिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पूजा के टाइम बेसिकली दुकान में मतलब बहुत हड़बड़ी में भीड़ में बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है खाना, लेकिन हम जहाँ जहाँ से आज ट्राई किए अच्छा था, बट पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं था। एंड वहाँ से हम निकल गए थे और मैंने दो ईयरिंग्स खरीदे, बहुत सारे मतलब मेला लगते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं आप लोग, जो लोग बाहर से हो वो लोग मतलब एक साल तो ज़रूर आना कोलकाता में विज़िट करना, पूजा पैंडल होपिंग करना बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अभी फूलझोड़ बोल के एक जगह पे, और यहाँ की भी पैंडल बहुत अच्छा बहुत अच्छी बनती है हर साल। मैं पिछले साल भी यहाँ पे आई थी और दिल्ली रहने मतलब रहते टाइम यहाँ पे तो हम आ नहीं सकते थे, उस टाइम हमने दुर्गापुर का पूजा ऐसे देखा नहीं था, लेकिन अभी दो तीन साल ही हो रहा है कि हम आ रहे हैं और मोस्टली हम लोग घर पे बिता देते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा निकले थे आज मतलब देखने का मन हुआ। पूजा का 3-4 दिन ही तो साल में आती है, तो उस टाइम भी हम अगर घर पे बैठे बैठे समय निकाले फिर क्या ही रह जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि अब से तो हर साल मैं निकलूँगी और बहुत अच्छे से पैंडल होपिंग भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं थर्ड 2 नंबर मतलब पैंडल देख रही हूँ शायद, तो यहाँ पे आ गए, बस यहीं से घूम के हम लोग चले जाएंगे वापस घर, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है, काफ़ी भीड़ थी इसलिए ज़्यादा हम घूम भी नहीं पाए और हम लोग मतलब ज़्यादा घूम भी नहीं सकते, वो एक उम्र होती है शायद, वो जब टीनेज रहते हैं लोग तो उस टाइम सबको पसंद होती है ज़्यादा घूमना, बट इस टाइम हम और नहीं घूम सकते, हम घर
जाएंगे वापस, क्योंकि सोना मतलब तो जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा, फिर सुबह उठना पड़ेगा। तो ये भागा भागम भर जीवन में लगा रहता है एक टाइम के बाद। तो यहाँ पे भी जो पैंडल का काम है ना बहुत अच्छे से किया गया है। एंड यहाँ से पैंडल से निकल के पीछे साइड यहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, और यहाँ शायद ये फूल जोड़ काली मंदिर है। और यहाँ पे आपको पूरा बादाम खरीदा और फिर खाते खाते चले जाएंगे घर। चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं।